घड़ियाल ये देता है मना दी, गर्दू ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। वक्त ऐसा भी नहीं था कि इंसान कोई काबिले जिक्र शे नहीं था, क्या था? असर के मानी क्या? जमाना, सिर्फ जमाना नहीं, वो जमाना जो तेजी से गुजर रहा है। ये दो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, वैसे तो अरबी में वक्त का लफ्ज भी है लेकिन कुरान में वो लफ्ज आया नहीं। दो लफ्ज हैं, असर और दहर, और आपको मालूम है कि दोनों की ये सूरतें हैं, सूरतुल दहर भी है, सूरतुल असर भी है। इन दोनों में फर्क क्या है? फलसफे में कहते हैं एक सीरियल टाइम है, वो वक्त जो गुजर रहा है जिसमें माजी है, हाल है, मुस्तकबिल है, ये सीरियल टाइम। और एक दहर, ये जमाना उसकी विसत, यूं समझिए जदीद इस्तिलाह में टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्स, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्स को जाहिर करता है लफ्ज दहर। इसीलिए कहा गया है हल अता अलल इंसान हीनुम मिन अद्दहर लम यकुन शैयन मज़कूरा। एक वक्त ऐसा भी नहीं था कि इंसान कोई काबिले जिक्र शे नहीं था, क्या था? गंदे पानी की एक बूंद। तो यहां असर की जो कसम खाई गई है उसके मुख्तलिफ पहलू हैं जो उलमा ने बयान किए। यह असर तेजी से गुजर रहा है, तेजी से गुजर रहा है, तेजी से गुजर रहा है। गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मना दी, गर्दू ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। आप समझते हैं आज मेरी उम्र 71 बरस हो गई, जब 72 की हो गए एक साल और उम्र बढ़ गई। अरे बड़ी बड़ी कहां घट रही है? अगर 80 बरस तुम्हारी उम्र कुल होनी है तो एक साल और घट गया, अगले साल एक और घट जाएगा, तो ये उम्र बढ़ नहीं रही, घट रही है। गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मना दी, गर्दू ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। इमाम राजी ने भी ये वाकया नकल किया है कि वल असर का मफहूम मेरी समझ में उस वक्त आया जबकि मैंने बाजार में एक बर्फ फरोश को चीखते और चिल्लाते हुए पाया, लोगों जल्दी जल्दी मेरा बर्फ खरीद लो वरना मैं तबाह हो जाऊंगा, इसलिए कि वो तो पानी बन जाएगा, फिर क्या कीमत उसकी हो। इसी तरह ये उम्र जो है उस बर्फ की तरह पिघल रही है, जा रही है, लिहाजा ये चौंकाने का अंदाज है। जैसे आप कहते हैं जमाने को थाम लो, जमाना जो है उसकी कदर कीमत को पहचानो। वलास ये तेजी से गुजर रहा है, ये बर्फ की तरह पिघल रहा है। इसका एक और मफहूम भी है जो शुरू में मैं अर्ज कर चुका हूं, तारीख इंसानी गवाह है, जब अंबिया और रसूल की दावत मानी गई बेहतरीन निजाम कायम हुआ, बेहतरीन माशरा कायम हुआ, बेहतरीन सोसाइटी कायम हुई, और जब उनके रास्ते से एराज किया गया, तबाही आई, बर्बादी आई, हलाकत आई, अल्लाह का अजाब आया। वलास ये जमाना गवाह है, याद कर लो कौम नूह के अंजाम को, याद कर लो कौम हूद के अंजाम को, याद कर लो कौम साले के अंजाम को, याद कर लो कौम लूत के अंजाम को, याद कर लो कौम मदियन के अंजाम को, याद कर लो आले फिरौन के अंजाम को। वलास इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लजीन आमनू वामिलु सालिहात वतवासौ बिलहक वतवासौ बिस्सब्र। मुझे एक अंग्रेजी नज्म का भी एक स्टेंजा याद आ रहा है, वैसे बड़ी प्यारी नज्म है पूरी की पूरी, साम ऑफ लाइफ, जिंदगी का तराना, तराना है जिंदगी। उसका जो स्टेंजा मैं सुनाना चाहता हूं, आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लीटिंग एंड अवर हार्ट्स दो स्टाउट एंड ब्रेव Still like muffled drums are beating funeral marches to the grave। काम तो बहुत बड़ा है, बहुत लंबा पड़ा हुआ है, और यह वक्त भाग रहा है, दौड़ रहा है। असर कहते हैं तेजी से दौड़ने वाला वक्त, एसार कहते हैं आंधी झक्कड़ तेजी तेज हवा, एसार। असर का वक्त वो है जबकि तेजी से दिन खत्म हो रहा है।
part is long and time is fleeting. And our hearts, though stout and brave, अगरचे हमारे दिल अभी बड़े मजबूत हैं, बड़ी बहादुरी है, still like muffled drums are beating, funeral marches to the grave. यह आपके समझ में आएगा, जब कोई जनरल बड़ा फौजी अफसर जो है वो मरता था, उसका जनाजा जो है कैरियर पर रखकर उसकी कब्र की तरफ लेकर जाते थे और ड्रम बजाया जाता था, लेकिन ड्रम के ऊपर कपड़ा चढ़ा दिया जाता था, वो उसकी शार्प नहीं आती थी वॉयस, बल्कि दबी हुई मफल ड्रम्स। तो अगरचे हमारे दिल बहुत तवाना है फिलहाल, कोई बीमारी अभी नहीं आई है, लेकिन हम तो दर हकीकत स्टिल लाइक मफल ड्रम्स आर बीटिंग, बीटिंग हार्ट बीट, बीट का लफ्ज, जिस तरह के वो ड्रम बजाया जा रहा है, बीटिंग ऑफ द ड्रम।